हेलो गाइस, आज के वीडियो में आप बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल A74 है, तो आईटेल A74 की सेटिंग्स फाइल ऑप्शंस पे जाकर आप कैसे फोटोस एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं अपने आईटेल A74 की फाइल ऑप्शंस पे जाकर, और फोटोस एंड वीडियोस को कैसे हाइड कर सकते हैं एंड आप कैसे छिपा सकते हैं फोटोस एंड वीडियोस को हाइड करके फाइल ऑप्शंस में, तो बताने वाला है कि फोटो वीडियोस को हाइड कैसे करें और कैसे छिपाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स है शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको इसमें से फाइल ऑप्शंस पे चले जा रहे हैं। जो फाइल ऑप्शंस है आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, और जो भी फोटोस एंड वीडियोस को आप हाइड करना चाहते हैं या फिर छिपाना चाहते हैं तो छिपा सकते हैं और आप हाइड भी कर सकते हैं। सिंपली इमेज पे जा रहे हैं, जो भी फोटोस को आपको हाइड करना है कर सकते हैं। थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना, जिससे आपकी फ़ोटोज़ वगैरह आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी और छिप जाएगी। तो इस तरीके से भी फ़ोटोज़ को आप हाइड कर सकते हैं और आप छिपा सकते हैं। एंड आप वीडियो पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से वीडियोस को भी आप हाइड कर सकते हैं। मूव टू सेव फोल्डर करते हैं तो वीडियोस वगैरह भी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी और छिप जाएगी। देख सकते हैं कि जो भी फोटोज़ एंड वीडियोस है आपके फ़ोन में हाइड हो चुकी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं बैक करके सेव फोल्डर पर जाकर शो कर सकते हैं। यहाँ से आप जाते हैं तो इस पर जाकर आप इस तरीके से शो कर पाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो चुकी है। यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं जो भी फोटोज़ आपने हाइड कर दिया है, या फिर इनको वापस आप स्क्रीन पर शो करना चाहें तो यहाँ से मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर करते ही वापस स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोटोज एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और आप छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। तो